रहमान करके जो रहमानिया कोचिंग चलाते हैं पीर भौर थाने अंतर्गत, उनका भी एक वीडियो वायरल किया गया था, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें बताया गया था कि ऐसे स्टेशंस को रोका जाए, ट्रेन्स को रोका जाए व स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन दिया जाए। तो उसी क्रम में जब दो लड़कों को यहाँ से पकड़ा गया दानापुर थाना अंतर्गत, तो उन्होंने भी बताया कि वो भी उस वीडियो से प्रेरित हुए थे। ऐसे सभी लोगों के ऊपर जिनने ऐसी हिंसा को भड़काने की कोशिश की है, वीडियोस के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, उन सबके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। जो भी वीडियोस उभर के आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा ऐसा प्रोत्साहन की बात की जा रही है और स्टूडेंट्स को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे अभी सब। हम लोग दानापुर एएसपी कार्यालय के बाहर हैं। हमने अभी अभिनव डिमांड से जो है मिल करके जो गुरु रहमान पर जो आरोप लगा है, खास करके कि उन्होंने एक ऐसा जो है इंटरव्यू दिया है जिसमें हिंसात्मक रूप से प्रदर्शन की बात कही है, क्या कुछ कहा अभिनव डिमांड जो आईपीएस हैं और एएसपी भी हैं दानापुर के। आपको बता दें कि दानापुर में जो है गुरु रहमान जो टीचर हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। क्या कह रहे हैं अभिनव डिमांड आईपीएस, सुनिए आप। जो गिरफ्तारी हुई है सर, खास करके जो आईटी रेड पड़ा है गुरु रहमान पर और दानापुर में प्राथमिकी भी दर्ज हुई है, उस पर गुरु रहमान का क्या, ये पूरा मामला है 17 जून में जो हिंसा हुई, जो ट्रेनें फूकी गई, उस पर जी क्या उनका? जैसा आपने देखा कि पूरे बिहार में जितना हिंसा हुआ है, स्पेशली पटना की अगर हम बात करें तो दानापुर व मसौढ़ी में जितनी हिंसा हुई थी 17 तारीख को, 18 तारीख को, उसमें ऐसे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मेंटर्स जिनने भड़काऊ चीज़ें बोली हैं, भड़काऊ भाषण दिए हैं, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन बढ़ाया है व उनको हिंसा के तरफ प्रोत्साहित किया है, उन सब पे जब कार्रवाई की जा रही है, तो उसी क्रम में एक गुरु रहमान करके जो रहमानिया कोचिंग चलाते हैं पीर भौर थाने अंतर्गत, उनका भी एक वीडियो वायरल किया गया था, वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्हें बताया गया था कि ऐसे स्टेशंस को रोका जाए, ट्रेन्स को रोका जाए व स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन दिया जाए। तो उसी क्रम में जब दो लड़कों को यहाँ से पकड़ा गया दानापुर थाना अंतर्गत, तो उन्होंने भी बताया कि वो भी उस वीडियो से प्रेरित हुए थे। वह ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स व अलग चैट्स में वो लोग मिले हुए थे, उनसे उन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिला और उसी के बाद उनने जो है ये हिंसा को अंजाम दिया। तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर जिनने ऐसी हिंसा को भड़काने की कोशिश की है, वीडियोस के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, उन सबके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उनका सर तर्क आया है कि जो है हम अपने पिता का इलाज कराने आए हैं, हमने ऐसा लगभग 40 इंटरव्यू दिया लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जिसने हमने कहा कि तुम जो है हिंसक रूप से, उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन करने के लिए जरूर कह रहे थे लेकिन हिंसक प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे। बात वही है कि हिंसा और अहिंसा में काफ़ी एक बहुत छोटी सी लाइन होती है, किस तरह स्टूडेंट्स उसको लेते हैं, वो स्टूडेंट्स वो उनके मेंटर्स के बीच की एक बात रहती है। लेकिन जो भी वीडियोस उभर के आ रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रोत्साहन की बात की जा रही है और स्टूडेंट्स को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहा है, तो उनको भी हम लोग अपने रडार में रख रहे हैं और उनको नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। आपने अभिनव डिमांड को सुना, उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि जो बातें हुई हैं, जो इंटरव्यू हुआ उसमें जो है हिंसात्मक रूप से प्रदर्शन की बात कही गई और दानापुर में दो बच्चे पकड़ाए हैं, उन्होंने कहा कि गुरु रहमान का जो है वीडियो देख करके जो है वो प्रोत्साहित हुए हैं और उसके बाद जो है गुरु रहमान पर जो है एक तरह से प्राथमिकी दर्ज की गई है, गुरु रहमान पर जो है एक तरह से प्राथमिकी दर्ज की गई है और अब जो है गुरु रहमान संकट में पड़ सकते हैं क्योंकि आईटी का छापा भी जो है गुरु रहमान पे जो है वो पड़ा है और उसको ले करके लगातार जो है वो पटना में उनके घर पे, उनके कोचिंग पे छापेमारी हो रही है। तो जो गुरु रहमान हैं, जो टीचर हैं, उन पर जो है एक तरह से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। साथ में ये भी कहना है कि जो वीडियो आए हैं, जो इंटरव्यू आए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि वो हिंसात्मक रूप से प्रदर्शन की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ गुरु रहमान कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई बात नहीं कहा है और हम जो है एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए हमने छात्रों को कहा था और साथ में हमने ये जरूर कहा था कि आप प्रदर्शन कीजिए लेकिन प्रदर्शन का जो तरीका है वो अहिंसा से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से जो 17 जून को जो दानापुर रेलवे स्टेशन पे उपद्रवियों ने एक तरह से बवाल काटा था, अब उसके फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं और फुटेज से ये निकाले जाएंगे कि कौन बच्चे थे और कौन शरारती तत्व जो है मिल करके वो एक तरह से जो है अराजकता फैलाए थे। फिलहाल गुरु रहमान पर जो है एक तरह से शिकंजा कसता दिख रहा है, दो बच्चे पकड़ाए हैं, दो बच्चों ने जो है एक तरह से गुरु रहमान के बारे में कहा है कि उनका ही वीडियो देख करके जो है हम उत्तेजित हुए, जैसा कि
अभिनव धीमान साहब का कहना है जो एएसपी हैं दानापुर के। हालांकि गुरु रहमान का भी जो है प्रतिक्रिया आ गया है, उनका कहना है कि हमने जरूर जो है प्रदर्शन की बात कही थी लेकिन हिंसात्मक रूप से प्रदर्शन की बात नहीं की थी। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।